हेलो व्यूअर्स, इन शॉर्ट वीडियोस को बनाने का मकसद है मेरा आप लोगों को इजी गाइडलाइंस देना। इन क्लिप्स को बनाने में ना सिर्फ मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, बल्कि मैं खुद बहुत कुछ सीख रही हूँ। दिस लर्निंग प्रोसेस शुड नेवर गेट स्टॉप फॉर ऑल ऑफ अस। आज का टॉपिक है कंट्रोलिंग एंगर, अपने गुस्से को काबू में करना। किसी को ये कहना तो बड़ा आसान है कि अपने गुस्से को काबू में करो, पर यह करना उतना ही मुश्किल है। चंद टिप्स पेश करती हूँ विच आई होप माइट सीम हेल्पफुल टू यू। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को वेल बैलेंस्ड और स्टेबल बनाएं, क्योंकि एक मतवाजन जहन का इंसान ही हर सिचुएशन को समझदारी सोच समझकर हैंडल करने की सलाहियत रखता है। अगर आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आया है तो आप सबसे पहले उसका एनालिसिस करें कि आया आपको फौरी उस पर गुस्सा करना चाहिए या नहीं। इस समझदारी का तकाजा, अकलमंदी का तकाजा ये है कि आप ऐसी सिचुएशन से फॉर द टाइम बीइंग वॉकआउट भी कर सकते हैं, फिर कूल डाउन होने पर अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने नियत करनी है कि आपने अपने गुस्से को कम करना है। मेरा मानना यह है कि अगर इंसान नियत करे तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, रास्ते आसान कर देता है। और स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन, इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल। आप अगर ये तहिया कर लेंगे, आपकी सोच ही आपके अंदर गुस्सा, ये सोच और नियत ही आपकी अगर अच्छी हो जाए इस तरफ, तो आपके अंदर गुस्सा जब्त करने की सलाहियत आना पैदा होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ जो हम हमेशा सुनते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना एज और मैच्योरिटी के साथ आता है, पर मेरा मानना यह है कि हर इंसान गुस्सा अपने तौर पर कंट्रोल कर सकता है, चाहे यंगस्टर हो या एडल्ट हो, आपने अपना गुस्सा मैनेज करना है। अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आया है तो आप 2 मिनट के लिए रुक जाएं, उसको एब्जॉर्ब करें, फिर देखें दैट सिचुएशन विल टर्न इनटू योर साइड। आपने गुस्सा कंट्रोल करना है अपनी बेहतरी के लिए, अपने दोस्त बने, अपने लिए अच्छा करें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। किसी और को फ़ायदा हो ना हो, सबसे पहले आपको फ़ायदा होगा। नेगेटिव वाइब्स इन यू विल स्टार्ट वैनिशिंग। कई सिचुएशंस नो डाउट ऐसी होंगी कि आप गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, पर मेरी आपको दोस्ताना तजवीज़ है कि गुस्सा करने के बाद जो पछतावा होता है या बाद में हम रंजीदा होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए आप ये चीज़ पल्ले बांध लें, दैट एंगर नेवर बिल्ड्स एनीथिंग, रादर इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। सो इस मैसेज के साथ कि हम सब अपने गुस्से को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, रेड सब्सक्राइब बटन से मुझे सब्सक्राइब करें, महरीन्स कॉर्नर को फॉलो करें। हर तरह की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए बागी टीवी को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।